वारिस पंजाबी का सरगना अमृतपाल अपने आका के साथ फरार है। 2 सप्ताह से ज्यादा का वक्त बीत गया, अमृतपाल आगे आगे भाग रहा है और पंजाब की 80 पुलिस उसके पीछे। वह अपना हुलिया बार बार बदल रहा है, पंजाब से दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हिमाचल आसानी से घूम रहा है और पंजाब की पुलिस CCTV की क्लिप्स जारी कर रही है, उसके बदलते हुए हुलिये की तस्वीरें सामने ला रही है, लेकिन वो पकड़ से बाहर है। अमृतपाल कभी वीडियो जारी करता है तो कभी शर्तनामा, और अब उसने एक ऑडियो क्लिप भी जारी किया है, लेकिन पंजाब की पुलिस अब तक सिर्फ धूल फांकती घूम रही है और अरविंद केजरीवाल भगवंत मान की पुलिस पर निहाल हैं। कहते हैं बहुत शानदार काम हो रहा है। ऑडियो में अमृतपाल ने कहा कि मेरा वीडियो पुलिस ने नहीं बनाया। यकीन करो, कई लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। फोन बढ़िया न होने और ऑडियो क्वालिटी सही न होने से भ्रम पैदा हुआ है। खालिस्तानी समर्थक ने आगे कहा कि कुछ लोग मेरे वीडियो बयान को लेकर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि मैंने गिरफ्तारी के लिए शर्तें रखी हैं। ये सब झूठ है, ऐसी कोई शर्त नहीं रखी है। मैं कहता हूँ जथेदार सरबत खालसा बुलाएं। मेरी सेहत जरा नासाज है, एक वक्त खाना खाने के कारण कुछ कमजोरी जरूर है, लेकिन वीडियो किसी मजबूरी या पुलिस के दबाव में नहीं बना है। अमृतपाल ऑडियो मैसेज में बार बार सफाई देने का प्रयास कर रहा है और अपना मैसेज संगत तक पहुंचाने की बात कह रहा है। पंजाब पुलिस ने बीते 18 मार्च को अमृतपाल और उसके संगठन वारिस पंजाब दे के सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी थी। पुलिस ने इस दौरान अमृतपाल के कई साथियों को गिरफ्तार किया था, हालांकि वो फरार हो गया था। वारिस पंजाब दे का प्रमुख अमृतपाल सिंह, जिसकी तलाश पिछले कई दिनों से लगातार की जा रही है, पंजाब पुलिस बड़े पैमाने पर उसकी तलाश में जुटी है। और इस बीच खबर यह आई कि अमृतपाल सिंह और उसके आका पापल प्रीत सिंह ने एक बार फिर होशियारपुर शहर के पास गांव में पंजाब पुलिस को चकमा दे दिया। एक अधिकारी ने बताया कि अमृतपाल समेत 3 लोगों के साथ एक इनोवा गाड़ी को पुलिस ने मंगलवार रात नाके पर रोका, लेकिन अंधेरे में भागने में वे सफल रहे। सूत्रों के मुताबिक अमृतपाल इनोवा गाड़ी में था, जिसे छोड़ वो स्विफ्ट कार में बैठा और अपने साथी के साथ फरार हो गया। होशियारपुर फगवाड़ा रोड स्थित मेनारिया गांव में हाई वोल्टेज ड्रामा के बाद पंजाब पुलिस सफेद रंग की मारुति स्विफ्ट कार की तलाश में जुटी है। गाड़ी का आखिरी नंबर 9168 मिला है। पूरे पंजाब में अलर्ट जारी कर दिया गया है, उसकी तलाश चल रही है। हालांकि काफी समय बीत जाने के बाद भी उनके हाथ अमृतपाल अभी नहीं लगा है। पुलिस होशियारपुर समेत 50 से ज्यादा गाँव में छापेमारी कर रही है। मेनारिया गांव और पास के इलाकों में पुलिस ड्रोन की मदद से सर्च ऑपरेशन चला रही है। इन जिलों के ग्रामीण इलाकों में हर आने जाने वाले पर खास निगाह रखी जा रही है। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।